वेलकम बैक डियर फलकॉनर्स इनटू द लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ फलकॉनर्स इन क्लासेस। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे रिगार्डिंग द ड्रग्स ऑफ द रीनल सिस्टम। रीनल सिस्टम के ड्रग्स में हम स्पेशल फोकस जाएगा हमारा रिगार्डिंग द डायूरेटिक्स। तो डायूरेटिक्स की अगर हम बात करेंगे, डायूरेटिक्स क्या होते हैं? डायूरेटिक्स एक ऐसा क्लास ऑफ ड्रग होता है दैट कॉज डायूरेसिस। ठीक है, एक ऐसा क्लास ऑफ ड्रग जो प्रमोट करता है डायूरेसिस को, वी कॉल इट एज द डायूरेटिक ड्रग। नाउ डायूरेसिस प्रमोट करने का क्या मतलब होता है कि जो भी ड्रग्स यूरिन प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, जो ड्रग्स यूरिन प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, दैट वी कॉल एज द डायूरेटिक्स। यूरिन प्रोडक्शन इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि ये ड्रग्स हम कहाँ पे यूज करेंगे? अगर हमारी इंडिविजुअल की बॉडी में क्या हुआ है, फ्लूड एक्यूमुलेशन हुई है, फ्लूड एक्यूमुलेशन हुई है, उस फ्लूड एक्यूमुलेशन को रिड्यूस करने के लिए वी मेक यूज ऑफ द डायूरेटिक्स। जैसे किसी इंडिविजुअल को जनरलाइज्ड एडिमा है, ठीक है, या किसी इंडिविजुअल को सेरेब्रल एडिमा है, या पल्मोनरी एडिमा है, एसाइटिस है एटसेट्रा, या ग्लूकोमा वगैरह है, या फिर किसी इंडिविजुअल को मिनरल डिजीज है, तो वहाँ पे हम किन का यूज़ करते हैं? वी मेक यूज ऑफ डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स क्या करते हैं? ये डायूरेसिस क्रिएट करते हैं, और वी कैन से कि यूरिन प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, और वी कैन से कि जो फ्लूड एक्यूमुलेशन हुई होती है बॉडी में उसको ये रिड्यूस कर देते हैं। नाउ जो डायूरेटिक्स होते हैं, डायूरेटिक्स के डिफरेंट क्लासेस हैं, डिफरेंट निमोनिक्स से जो है वो हम याद रखते हैं, बट यहाँ पे हम एक सेल्फ मेड निमोनिक बनाएंगे सो दैट कि जो इसका साइट ऑफ एक्शन है वो हमारे जहन में ईजिली रहेगा, क्योंकि जब कल को एग्जाम होता है तो एग्जाम के टाइम पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है साइट ऑफ एक्शन पूछी जाती है। तो हम याद रखेंगे CLTKM, ठीक है, CLTK हमको हम साथ लेकर चलेंगे जस्ट टू नो अबाउट द क्लासेस ऑफ द डायूरेटिक्स। जो पहला क्लास होता है ऑफ दीज डायूरेटिक्स दैट इज द सी। सी मीन्स द कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स। देखिए ये ऐसे डायूरेटिक्स होते हैं जो क्या करते हैं, जिनका मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है इनका, ये ब्लॉक करते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ठीक, कार्बोनिक एनहाइड्रेस को अगर ब्लॉक कर देते हैं तो कहाँ पे करते हैं? एज़ोफेनस्टेनस हम लेंगे, ये दिस इज द नेफ्रॉन। ठीक, तो ये है इसका PCT। जो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स होते हैं ये एक्ट करते हैं PCT पे। सो इसका जो साइट ऑफ एक्शन होगा दैट विल बी द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिबिया। ये तो हुए कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स। अब ड्रग ऑफ चॉइस ये कहाँ पे बनते हैं, कहाँ पे ये हम मोस्टली यूज करते हैं? किसी इंडिविजुअल को अगर एक्यूट माउंटेन सिकनेस हुई है वहाँ पे यूज करते हैं हम किन का? कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स का। या कोई इंडिविजुअल है जिसको सूडो मोटर सेरेब्राई एंड हाइपरकेलेमिक पीरियोडिक पैरालिसिस है, पीरियोडिक पैरालिसिस है, वहां पे हम यूज करते हैं ऑब्वियस कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। सो ये दो चीजें हैं दैट आर इंपॉर्टेंट। ठीक, देन एल में क्या आता है, दैट इज द लूप डायूरेटिक्स। देखिए लूप डायूरेटिक्स जो होते हैं इनको हम कंसिडर करते हैं मोस्ट पोटेंट डायूरेटिक्स। सो आपसे एग्जामिनर पूछेगा मोस्ट पोटेंट डायूरेटिक्स कौन से है, तो ऑप्शन जाएगा लूप डायूरेटिक्स, राइट। साइट ऑफ एक्शन क्या होती है, कहाँ पे ये एक्ट करते हैं? जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स ने PCT पे एक्ट किया, तो ये जो लूप डायूरेटिक्स होते हैं दे विल एक्ट ऑन द लूप ऑफ हेनरी। जो साइट ऑफ एक्शन होगा दैट विल बी द लूप ऑफ हेनरी। ठीक, एंड यूजुअली क्या होता है, जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनरी होता है दिस वन इज द असेंडिंग पार्ट, यहाँ पे ये एक्ट करते हैं। तो ये तो हुआ इसका साइट ऑफ एक्शन। नाउ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि ये एक्ट कैसे करते हैं? ये जो लूप डायूरेटिक्स होते हैं ये ब्लॉक करते हैं और इनहिबिट करते हैं सोडियम पोटेशियम 2-क्लोरीन को ट्रांसपोर्ट, सोडियम पोटेशियम 2-क्लोरीन को ट्रांसपोर्ट ब्लॉकेज करते हैं, ये बनता है इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। देन अगर ड्रग ऑफ चॉइस की बात करेंगे, ये जो लूप डायूरेटिक्स होते हैं कहाँ पे ये एक्ट करते हैं एज ड्रग ऑफ चॉइस? किसी इंडिविजुअल को पल्मोनरी एडिमा है, पल्मोनरी एडिमा के केस में क्या होता है,
कि ये जो लो डायोरेटिकल्स होते हैं ये एक्ट करते हैं एज द ड्रग ऑफ चॉइस। देन किसी इंडिविजुअल को अगर रिनल इंसफिशंसी है, एस्पेशली अगर रिनल इंसफिशंसी लेस देन 40 है, तो वहाँ पे ये ड्रग ऑफ चॉइस बनते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद क्या रखना है, दैट इज द पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा के केस में हम लूप डायूरेटिकस का यूज़ करते हैं। अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स में ड्रग की एग्जाम्पल हमें याद रखनी है, दैट इज द एसिटाजोलामाइड, जो एस्टाजोलामाइड होता है दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। लूप डायूरेटिकस में याद रखना है ड्रग एग्जाम्पल, दैट इज द फ्यूरोसिमाइड एंड टॉर्सिमाइड। ठीक, ये तो हुए दो क्लासेस। देन थर्ड क्लास जो आएगा हमारा, दैट इज टी। टी मीन इज द थायजाइड डायूरेटिक्स। देखिए थायजाइड डायूरेटिक्स को हम सिंपली क्या लिखते हैं, थायजाइड्स लिखते हैं, जो इनका साइट ऑफ एक्शन होगा, कहाँ पे ये एक्ट करेंगे। लूप डायूरेटिक्स ने लूप ऑफ हेनली पे एक्ट किया, तो ये करेंगे यहाँ पे, दैट इज द DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। सो जो इनका साइट ऑफ एक्शन होगा दैट विल बी द DCT। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, ठीक है, लूप डायूरेटिक्स के केस में सोडियम पोटेशियम 2-क्लोरीन को ट्रांसपोर्टर इनहिबिशन होती थी, बट इन केस ऑफ दीज थायजाइड डायूरेटिक्स दे ब्लॉक सोडियम एंड क्लोरीन को ट्रांसपोर्टर। ठीक है, ये इनका बनता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब यूजेस क्या है इन थायजाइड डायूरेटिक्स के, मोस्टली ये हम कहाँ पे यूज करते हैं, अगर किसी इंडिविजुअल को हाइपरटेंशन होगा विथ इडीमा, ठीक है, और ऑस्टियोपोरोसिस, तो किसी इंडिविजुअल को हाइपरटेंशन है, एडिमा है, उसके साथ साथ या तो है या नहीं है ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, तो वहाँ पे जो ड्रग ऑफ चॉइस बनता है दैट इज द थायजाइड डायूरेटिक्स। यहाँ पे अंडर कंसिडरेशन क्या लेना है कि अगर किसी इंडिविजुअल को ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोपोरोसिस की केस में हम कौन से यूज कर सकते हैं, वी कैन मेक यूज ऑफ द थायजाइड डायूरेटिक्स। इसके अलावा ये जो है थायजाइड डायूरेटिक्स ये एक्ट करते हैं ड्रग ऑफ चॉइस फॉर नेफ्रोजेनिक DI, ठीक है, नेफ्रोजेनिक DI में ये ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं। नाउ DI क्या होता है, डायबिटीज इंसिपाइडस के कंडीशन होती है जिसमें ADH की सेक्रेशन जो है वो कम हो जाती है, बिकॉज ऑफ दैट एक इंडिविजुअल को पॉलीयूरिया हो जाता है। नाउ ये जो डायबिटीज इंसिपाइडस है ये दो तरह की हो सकती है, या तो ये सेंट्रल हो सकती है, दैट मीन्स के ब्रेन में किसी जगह पे डिफेक्ट है जहाँ से ADH निकल रहा है, या फिर ये नेफ्रोजेनिक हो सकती है, दैट मीन्स कि ADH सही से निकल रहा है लेकिन जहाँ पे ADH को काम करना है वहाँ पे क्या होता है, ADH कहाँ पे काम करता है, यूजुअली DCT पे काम करता है और कलेक्टिंग डक्ट्स पे काम करता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर किसी इंडिविजुअल को नेफ्रोजेनिक DI है तो जो रिसेप्टर्स होते हैं वहाँ पे वो ADH को रिकॉग्नाइज कर नहीं करते हैं। लाइकवाइज जैसा type 2 diabetes में होता है, तो इसको बोलते हैं नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपाइडस। सो इन केस ऑफ नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपाइडस भी क्या होता है कि ये जो थायजाइड डायूरेटिक्स होते हैं दे एक्ट एज द ड्रग ऑफ चॉइस। देन जो फोर्थ क्लास ऑफ ड्रग है दैट इज द पोटेशियम सुपेरिंग डायूरेटिक्स। देखिए ये जो डायूरेटिक्स होते हैं ये पोटेशियम को क्या करते हैं, सुपेयर करते हैं। इसमें अगर थर्ड क्लास में अगर ड्रग एग्जांपल देखेंगे, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरथायजाइड और बेंजथायजाइड, ये बनते हैं ड्रग एग्जांपल्स। पोटेशियम सुपेयरिंग डायूरेटिक्स क्या करते हैं, पोटेशियम को सुपेयर करते हैं, जो साइट ऑफ एक्शन इनका होता है। अब यहाँ पे क्या बचता है, यहाँ पे बचते हैं ये कलेक्टिंग डक्ट, सो इनका जो साइट ऑफ एक्शन होगा, साइट ऑफ एक्शन विल बी कलेक्टिंग डक्ट्स। कलेक्टिंग डक्ट जो है वो एक्ट करेंगे एज साइट ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म क्या होता है, ये ब्लॉक करते हैं मिनरलो कॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स। जब मिनरलो कॉर्टिकॉइड रिसेप्टर जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जो मिनरलो कॉर्टिकॉइड है वो अपना काम नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो पोटेशियम सुपेरिंग डायूरेटिक्स में मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल क्या है, दैट इज सुपेरोनोलैक्टोन। सुपेरोनोलैक्टोन जो होता है दैट इज ए पोटेशियम सुपेरिंग डायूरेटिक। अब ये कहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस बनते हैं पोटेशियम सुपेयरिंग डायूरेटिक्स, अगर किसी इंडिविजुअल को सिरोटिक एडिमा होगा, ठीक है, एडिमा डेवलप हुआ होगा बिकॉज ऑफ द सिरोसिस ऑफ द लिवर, तो वहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस बनेंगे सुपेरोनोलैक्टोन, दैट इज पोटेशियम सुपेयरिंग डायूरेटिक्स। अगर किसी इंडिविजुअल को रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन है, रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन के केस में
क्या होता है, सुपरनोन इलेक्ट्रॉन ड्रग ऑफ चॉइस बनता है या किसी इंडिविजुअल को, अब किसी इंडिविजुअल को अगर लिवर सिरोसिस होगी तो वहाँ पे यूजुअली एसोसिएट होता है सीवियर केसेस में एसाइटिस। सो इन केस ऑफ द एसाइटिस भी हम क्या करते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस बनता है हमारा सुपरनोन इलेक्ट्रॉन पोटेशियम सुपेरिन डायूरेटिक्स, ठीक है। और एसाइटिस जो होते हैं, एसाइटिस में क्या होता है, जो एल्डोस्टेरोन है, एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ दैट फ्लोरोक्यूमुलेशन हो जाता है और सोडियम लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाती है, पोटेशियम लेवल रिड्यूस हो जाती है। अब ये जो सुपेरोन इलेक्ट्रॉन होता है पोटेशियम सुपेरिंग डायूरेटिक्स, ये पोटेशियम को रिटेन करवाते हैं, दैट इज वाई इन केस ऑफ द एसाइटिस वी मेक यूज ऑफ दिस सुपेरोन इलेक्ट्रॉन। देन फिफ्थ क्लास जो है दैट इज एम, एम मीन इज द मैनेटॉल, ठीक। जो मैनेटॉल होता है ये कौन सा क्लास ऑफ ड्रग होता है, दैट इज द ऑस्मोटिक डायूरेटिक, ठीक। अब ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स में मैनेटॉल का यूज करते हैं या फिर जो ग्लाइसरीन होती है, ग्लाइसरीन की भी प्रॉपर्टी है एज एक्ट करना एज ऑस्मोटिक डायूरेटिक। जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है दैट इज ये क्या है, इट इज ऑस्मोटिक एजेंट, ये ऑस्मोटिक ग्रेडियंट क्रिएट करता है जिससे क्या होता है जो रेनल आउटपुट है वो बढ़ जाता है एक इंडिविजुअल में या जिस साइड में फ्लूड एक्यूमुलेशन हुई हो, यूजुअली ये हम सेरेब्रल एडिमा में यूज करते हैं तो वहां से फ्लूड निकल के आता है, ठीक है, और वो फिर वॉश आउट होता है थ्रू द किडनीज। देन इसका क्या है साइट ऑफ एक्शन, देखिए साइट ऑफ एक्शन क्या होगी ऑफ दिस मैनिटॉल, दैट इज कि यहाँ तक तो हमने कवर किया जो एंड पार्ट था इसका नेफ्रॉन का, वहां तक हम कवर किया, नाउ वी विल रिपीट, ठीक। तो जो मैनिटॉल है इसका जो साइट ऑफ एक्शन होगा दैट विल बी द PCT or loop of Henle. So site of action will be PCT and loop of Henle. अब ये जो मैनेटॉल है ये कहाँ पे एक्ट करेगा एज ड्रग ऑफ चॉइस, अगर किसी इंडिविजुअल को सेरेब्रल एडिमा है, ठीक, तो वहाँ पे हम यूज करेंगे ऑफ दिस मैनेटॉल, सो ड्रग ऑफ चॉइस बनता है फॉर सेरेब्रल एडिमा, दैट इज द मैनेटॉल। किसी इंडिविजुअल को डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम होगा, डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम कब डेवलप होता है, यूजुअली जब हम हीमोडायलिसिस करते हैं या अगर हमें रैपिड करेक्शन ऑफ हाइपरनेट्रीमिया करनी है, तो एट दैट टाइम एक इंडिविजुअल को रेस्टलेसनेस वगैरह डेवलप हो जाती है, तो दैट इज कॉल्ड एज द डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम। ये क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे फ्लूइड एक्युमुलेशन हो जाती है विद इन द सेरेब्रम, ठीक। तो डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम में भी ड्रग ऑफ चॉइस क्या बनेगा, मैनेटॉल बनेगा, या किसी इंडिविजुअल को अगर एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा हो, ठीक है, दैट इज द केज, इन केस ऑफ द केज और एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा जो ड्रग ऑफ चॉइस है दैट इज द मैनेटॉल, ठीक। तो ये जो है सेरेब्रल एडिमा और डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सो ये तो हुए डिफरेंट क्लासेस ऑफ दिस डायूरेटिक्स प्लस जो इनका मैकेनिज्म और साइट ऑफ एक्शन है वो हमने यहाँ पे देखा। नाउ अब यहाँ पे अंडर कंसिडरेशन क्या लेना है, साइड इफेक्ट्स ऑफ डायूरेटिक्स। साइड इफेक्ट्स पे भी जो है मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट इनके साइड इफेक्ट्स जो है वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, सो उनको सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक स्टोरी बनाएंगे, ठीक है, और उस स्टोरी में जो इम्पॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स है वो हम वहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट थ्री क्लासेस है, दैट इज द क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3, दैट इज द दिस कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स, लूप डायूरेटिक्स एंड थायजाइड डायूरेटिक्स। ये क्या करते हैं, ये हाइपोकैलेमिया करते हैं, दैट मीन्स कि जो पोटेशियम है पोटेशियम की लेवल को ये रिड्यूस कर देते हैं। देन कम्स द क्लास 4, क्लास 4 क्या करता है कि इंक्रीज करता है पोटेशियम की लेवल, उसको और हाइपरकैलेमिया कर देता है। जो क्लास 5 है उसका हम लेटर ऑन देख लेंगे। सो एक ही डायूरेटिक जो पोटेशियम की लेवल को बढ़ाता है दैट इज द पोटेशियम सुपेरिंग डायूरेटिक और सुपेरोनोलैक्टोन। नाउ रेस्ट मैनिफेस्टेशन हम कैसे याद रखेंगे, एज ऑफ इनस्टेनस देयर इज ए हाउस, ठीक है, इस घर में क्या है, 2 भाई रहते हैं, देन यहाँ से रोड है, ठीक है, और इस हाउस के पीछे जो है एक गार्डन है और यहाँ पे इसका जो है यहाँ पे इसका एक नेबर है, राइट। नाउ जो ये रोड है कंसिडर इट एज क्लास 1, जो ये घर है ये साइड हम लेंगे क्लास 2 और ये लेंगे क्लास 3, देन इसको लेंगे एज क्लास 4 और इसको लेंगे एज क्लास 5 ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स को। नाउ देखिए अगर एसिडोसिस और अल्कलोसिस की बात करेंगे, एसिड कहाँ पे होगा, एसिड होगा रोड पे, सो एसिड होगा यहाँ रोड पे, या एसिड हो सकता है गार्डन में,
ठीक है, एसिड को जो है घर में नहीं रख सकते हैं, हार्मफुल होता है। ठीक, अब अगर घर में एसिड को नहीं रख सकते हैं तो वहां पे हम अल्कली रख सकते हैं और बेस रख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे भी हम अल्कली रखेंगे और यहाँ पे भी अल्कली रखेंगे। ठीक, नाउ जो क्लास फर्स्ट है दैट इज द कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स, ये क्या करते हैं फिर, मेटाबॉलिक एसिडोसिस करते हैं। ठीक, ये करेंगे मेटाबॉलिक अल्कलोसिस और ये भी करेंगे मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। यहाँ पे होगी मेटाबॉलिक एसिडोसिस और यहाँ पे होगी मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, राइट। सो जो तीन क्लास है वो करते हैं मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, क्लास सेकंड, थर्ड और फिफ्थ, और जो रिमेनिंग दो है दे कॉल्ड द मेटाबॉलिक एसिडोसिस, राइट। नाउ अब सिटोन्स की अगर हम बात करेंगे, जो सिटोन्स है वो कहाँ पे होंगे, वो भी रोड साइड में ही होंगे। सो सिटोन्स फॉर्मेशन होती है बिकॉज ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। जो रिनल सिटोन्स होते हैं वो कौन करवाता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स। देन जो एलर्जिनस वगैरह होते हैं वो भी रोड साइड ही प्रेजेंट होते हैं। तो हाइपर सेंसिटिविटी किससे होती है, हाइपर सेंसिटिविटी और वी कैन से कि रैशेज किससे डेवलप होते हैं, बिकॉज ऑफ द कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स। नाउ अब ये रोड है तो रोड पे होगा काउडंग, यूजुअली होता है काउडंग रोड्स पे। काउडंग में क्या होता है, अमोनिया। सो अमोनिया की लेवल उसको कौन बढ़ाता है, अमोनिया की लेवल उसको कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो है वो बढ़ा देता है। इंपॉर्टेंट दो है, स्टोनस रिनल स्टोनस और अमोनिया की लेवल को इंक्रीज कर देना। सो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स कर देते हैं। देन लूप डायूरेटिक्स का अगर देखेंगे, देखिए जब डायूरेटिक्स आते हैं तो ये यूरिन प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। सो वी कंसिडर इट एज फ्लड। ठीक है, अब फ्लड जो है इस वाले पोर्शन में आ गए, जो ये वाला बाई है इस वाले पोर्शन में आ गया। तो फ्लड क्या करता है, जो एसेंशियल चीजें है वो उड़ा के ले जाता है। ठीक, तो ये क्या करेगा, जो मैग्नीशियम है स्पेशली इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की लेवल को ये रिड्यूस करेगा। ठीक है, कैल्शियम जो है कैल्शियम की लेवल को ये रिड्यूस कर देंगे, इनका साइड इफेक्ट है। ठीक है, तो ये हाइपोमैग्नीशियमिया करेंगे, हाइपोकैल्शियमिया करवाएंगे। ठीक, इसके साथ साथ यहाँ क्या होता है, ग्लूकोज की लेवल बढ़ जाती है। ठीक, और जो यूरिक एसिड है यूरिक एसिड की लेवल बढ़ जाती है। सो जो लूप डायुरेटिक्स होते हैं दे कैन इंक्रीज द लेवल ऑफ यूरिक एसिड। यूरिक एसिड की लेवल अगर इंक्रीज हो जाएगी तो वी कॉल इट एज द गाउट। सो इन केस ऑफ द गाउट पेशेंट क्या होता है, हम लूप डायुरेटिक्स नहीं देते हैं। देन थर्ड क्लास में क्या होता है, वहां पे मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होती है, लाइकवाइज इन सेकंड क्लास। तो यहाँ पे इन दो का अपोजिट होगा, दैट मीन्स कि मैग्नीशियम को ये बढ़ा देंगे और कैल्शियम को ये बढ़ा देंगे, मैग्नीशियम को रिड्यूस करेंगे और कैल्शियम को बढ़ा देंगे। ठीक, और जो रिमेनिंग दो है दैट इज द ग्लूकोज एंड यूरिक एसिड, ग्लूकोज और यूरिक एसिड के साथ सेम सीन रहेगा एज दैट ऑफ द लूप डायुरेटिक्स। तो थायजाइड डायुरेटिक्स क्या करते हैं, ये मैग्नीशियम को कम कर देते हैं, हाइपोमैग्नीशियमिया करते हैं, पोटेशियम को बढ़ाते हैं जिस कैल्शियम को बढ़ा देते हैं तो हाइपर कैल्शियमिया करते हैं। सो और ग्लूकोज और यूरिक एसिड जो है इसकी लेवल को ये कम कर देते हैं। यहाँ पे मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी प्लस होगा गाइनेको गाइनेकोमेजिया। ठीक है, दैट इज द एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट स्पेशली इन द मेल्स। ठीक, तो ये जो ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होता है इन केस ऑफ द मेल्स इट इज ए सम अपवर्ड थिंग। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये छुप जाने की कोशिश करेगा। सो गाइनेकोमेजिया होता है बिकॉज ऑफ द पोटेशियम सुपेयरिंग डायूरेटिक्स। तो गाइनेकोमेजिया इज इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है इसके रिलेटेड क्वेश्चन। फिफ्थ क्लास जो है दैट इज द मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, ये नेबर वगैरह जो है ये उसी का सीन है। ठीक, अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे हमने देखा कि कुछ कंडीशन ऐसी है जहाँ पे पोटेशियम जो है कम हो जाता है और कहीं पे पोटेशियम ज्यादा हो जाता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इन केस ऑफ दिस मैनिटॉल और ऑस्मोटिक डायुरेटिक्स पोटेशियम या तो बढ़ेगा या कम होगा, सेम सीन होगा सोडियम के साथ, या तो बढ़ जाएगा या फिर कम हो जाएगा। अब इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे कि जो ऑस्मोटिक डायूरेटिक होते हैं दे कॉज द पल्मोनरी इडिमा, जो पल्मोनरी इडिमा होता है दैट डेवलप इज ड्यू टू द ऑस्मोटिक डायूरेटिक ड्रग्स। ठीक, तो ये हुए क्लासेस किसके, डायूरेटिक्स के, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, साइड क्या है, ठीक, कहाँ पे यूज होते हैं, बस जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो कैसे एज ए स्टोरी हमें याद रखनी है। देन सेकेंड क्लास क्या आता है इसका, दैट इज एंटी डायूरेटिक्स, एंटी डायूरेटिक्स। देखिए डायूरेटिक्स क्या करवाते थे, वो डायूरेसिस करवाते थे, यूरिन प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देते थे ना। एंटी डायूरेटिक्स क्या करेंगे, दे विल रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ द यूरिन। सो दीज आर द ड्रग्स दैट कॉज एंटी डायूरेटिक इफेक्ट। ठीक, सो दे
रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, यूरिन की प्रोडक्शन को ये कम कर देते हैं। देज आर डायूरेटिक्स और एंटी डायूरेटिक्स। एंटी डायूरेटिक्स में मोस्ट कॉमन कौन सा है? मोस्ट कॉमन जो है इसमें डेस्मोप्रेसन होता है, ठीक है। और वी कैन से कि एंटी डायूरेटिक जो नेचुरल एंटी डायूरेटिक होता है दैट इज द वासोप्रेसन, वासोप्रेसन या फिर ADH बोलते हैं उसको। ADH इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। कहाँ से निकलता है? फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक। देखिए अब अगर हम यहाँ पे क्लासेस देखेंगे इसके एंटी डायूरेटिक्स के, तो तीन क्लास आते हैं इसके। वन आर एनालॉग्स, ठीक है, दैट आर एनालॉग्स ऑफ दिस वासोप्रेसन और ADH। सेकेंड इज टर्लिप्रेसन, ठीक। और जो थर्ड क्लास है दैट इज एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट ऑफ दिस ADH, ADH के एंटागोनिस्ट, दैट मीन्स दे विल फंक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द ADH, ठीक है। एनालॉग्स में कौन सा आता है? जैसे पहला इज डेस्मोप्रेसन। डेस्मोप्रेसन क्या होता है? ये एनालॉग होता है ADH का, ठीक। दैट मीन्स कि जो फंक्शन ADH करेगा वही करेगा डेस्मोप्रेसन। ये कहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस बनता है? इन केस ऑफ सेंट्रल DI, डायबिटीज इंसिपाइडस। अगर सेंट्रल होगी दैट मीन्स कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वहां से ADH की प्रोडक्शन कम हो रही है या नहीं हो रही है, इन दैट केस क्या होगा? ADH जो है वो अपना काम नहीं कर पाएगा। ADH क्या करवाता है? ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है फ्रॉम DCT एंड कलेक्टिंग डस्ट। अब वाटर जो है वो रीअब्जॉर्ब नहीं हुआ तो वहां पे क्या होगा? वहां पे होगा पॉलीयूरिया, ठीक है, पॉलीयूरिया होगा। और वी कैन से कि यूरिन की प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगी। अब अगर यूरिन की प्रोडक्शन बढ़ गई है तो ऑब्वियसली बात है जो ब्लड स्ट्रीम है उसमें जो प्लाज्मा लेवल है वो रिड्यूस हो जाएगा और वाटर कंटेंट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। इन जनरल क्या होगा? बॉडी में जो है वाटर की लेवल कम हो जाएगी। ऐसे इंडिविजुअल को क्या होगा? देयर विल बी फ्लूड वॉल्यूम डेफिसिट बन जाएगा एक इंडिविजुअल, उसको फिर एक्सेसिव थर्स्ट लगेगी, साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन वगैरह डेवलप हो जाएगी, टैकिकार्डिया होगा ऐसे इंडिविजुअल को, ठीक। प्लस अब अगर वाटर जो है वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा है और वी कैन से कि वाटर एक्सक्रीट हो रहा है ज़्यादा ज़्यादा, जब वाटर एक्सक्रीट ज़्यादा हो जाएगा वाटर के साथ साथ जो है सोडियम भी बाहर आ जाता है, ठीक है, सोडियम भी बाहर आ जाता है। लेकिन जब वाटर की एक्सक्रीशन ज़्यादा हो जाती है सोडियम जो है इन द ब्लड प्लाज्मा और वी कैन से इन द ब्लड सोडियम की लेवल जो है बढ़ जाती है। सो इन केस ऑफ द डायबिटिक इंसिपाइडस दे आर ऑफ द हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया होता है इन केस ऑफ द डायबिटिक इंसेफाइटिस। सो फॉर सेंट्रल डायबिटीज इंसेफाइटिस ड्रग ऑफ चॉइस इज डेस्मोप्रेसन, ठीक। डेस्मोप्रेसन क्या होता है? ये सिंथेटिक फॉर्म होती है ऑफ दिस वासोप्रेसन। देन किसी इंडिविजुअल को नॉक्चुरनल एन्यूरिसिस होगी, ठीक है, दैट मीन्स कि ये बेड वेटिंग कर रहा है, ठीक है। तो इन केस ऑफ द नॉक्चुरनल एन्यूरिसिस भी ड्रग ऑफ चॉइस बनता है डेस्मोप्रेसन, या वी मेक यूज ऑफ दिस डेस्मोप्रेसन या वासोप्रेसन का यूज करते हैं हम इन केस ऑफ द हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया ए, या किसी इंडिविजुअल को वॉन विलिब्रांड्स डिजीज होगी। इन केस ऑफ वॉन विलिब्रांड्स डिजीज भी हम यूज करते हैं डेस्मोप्रेसन का, या किसी इंडिविजुअल को ये कंडीशंस अगर डेवलप हो सकते हैं वहां पे हम यूज करते हैं ऑफ द डेस्मोप्रेसन। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सेंट्रल डायबिटीज इंसिपाइटिस का याद रखना है और नॉक्चुरनल एनोरेसिस का याद रखना है। साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं इसके? तब ये जो डेस्मोप्रेसन है ये क्या करवाएगा? ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा, ठीक है। जो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगी तो ऐसे इंडिविजुअल में वाटर इंटॉक्सिकेशन होगी ड्यू टू एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ द वाटर और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर। उससे क्या होगा? बिकॉज ऑफ द वाटर इंटॉक्सिकेशन एक इंडिविजुअल को फ्लाशिंग होगी, एक इंडिविजुअल को हेडेक डेवलप होगा। ये तो है जनरल साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस वासोप्रेसन और डेस्मोप्रेसन। देन सेकंड कम इज द टर्लिप्रेसन। टर्लिप्रेसन क्या होता है? टर्लिप्रेसन जो होता है दैट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ वासोप्रेसन, ठीक है। ये जो टर्लिप्रेसन है ये ड्रग ऑफ चॉइस बनता है इन केस ऑफ एक्यूट वेरिसियल ब्लीडिंग, ठीक है। नाउ एक्यूट वेरिसियल ब्लीडिंग क्या होता है कि जो इसोफेजियल वेन्स है, जो इसोफेजियल वेन्स है, इसोफेजियल वेन्स रप्चर होके ब्लीड कर देते हैं, इन दैट केस हम क्या देते हैं? टर्लिप्रेसन देते हैं। वो कैसे ब्लीड होता है? अगर किसी इंडिविजुअल को लिवर की सिरोसिस होगी, ठीक है, बिकॉज ऑफ द लिवर सिरोसिस क्या होता है? पोर्टल हाइपरटेंशन होता है। जो पोर्टल वेन्स होते हैं उनमें ब्लड प्रेशर जो है
वो बढ़ जाता है। अब अगर उनमें ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो जो वेसल्स होंगे वो डायलेट हो जाएंगे, ठीक है, डायलेट होंगे वेनस, तो इसके साथ साथ जो है एसोफेजियल वेनस भी क्या होंगे, डायलेट होंगे। जब एसोफेजियल वेनस डायलेट होंगे तो दे विल बिकम मोर प्रोन टू रप्चर, ठीक है। अब अगर ये रप्चर हो जाएंगे दैट इज कॉल्ड एज द एसोफेजियल वेरिसिस, ठीक है, फिर उसके बाद ये ब्लीड कर सकते हैं। सो इन केस ऑफ द एक्यूट एसोफेजियल वेरिसिस और वेरिसियल ब्लीड वी मेक यूज ऑफ टर्लिप्रेसन, तो वहां पे टर्लिप्रेसन ड्रग ऑफ चॉइस बनता है। देन अदर यूजेस क्या है, अगर किसी इंडिविजुअल को शॉक डेवलप हुआ है, उसको हमने नॉरएपिनेफ्रिन दिया तो उसने उसको रेस्पॉन्स शो नहीं किया, वहां पे हम ये यूज कर सकते हैं। सो अगर नॉन एपिनेफ्रिन रेजिस्टेंट शॉक होगा किसी में तो वहां पे हम टर्लिप्रेसन का यूज कर देते हैं, ठीक। देन किसी इंडिविजुअल को सेम वेज, अगर किसी इंडिविजुअल को सेंट्रल डीआई है, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपाइडस, वहां पे डेस्मोप्रेसन का भी यूज कर सकते हैं और टर्लिप्रेसन का भी यूज कर सकते हैं, बट मोस्टली प्रेफर्ड इज डेस्मोप्रेसन। साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं इसके, इसका नॉजिया वोमिटिंग हो सकता है और जो फेस है फेस कैन टर्न पैलर, फेशियल पैलरनेस हो सकती है ऐसे इंडिविजुअल को। लास्ट क्लास क्या है, दैट इज द एंटागोनिस्ट, अगर कोई ड्रग है दैट इज एंटागोनिस्ट तो वासोप्रेसन, ठीक है। अब वासोप्रेसन क्या करवाता है, वासोप्रेसन वाटर जो है वाटर की रीअब्सॉर्प्शन करवा देता है, तो जो एंटागोनिस्ट होंगे दे विल परफॉर्म द अपोजिट फंक्शन। दैट मीन्स कि ये हम ऐसे कंडीशंस में यूज करेंगे जहां पे वाटर की रीअब्सॉर्प्शन फ्रॉम द किडनीज ज्यादा होती है। तो कौन सा ड्रग आता है इसमें, जैसे कॉनिवेप्टॉन, कॉनिवेप्टॉन जो होता है दैट इज वासोप्रेसन एंटागोनिस्ट, कहाँ पे यूज करते हैं, फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफ SIADH, दैट इज द सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। देखिए ADH कब निकलता है, जब हमारे ब्लड में और जब हमारी बॉडी में प्लाज्मा की लेवल कम होगी, प्लाज्मा की लेवल कम होना है और वी कैन सिंपली से वाटर लेवल कम हो जाएगी, तो एट दैट टाइम क्या होता है ADH की सिक्रीशन हो जाती है। जब ADH रिलीज होता है तो ये वाटर को रीअब्सॉर्ब कर देता है, प्लाज्मा लेवल को मतलब नॉर्मलाइज कर देता है। अब यहाँ पे क्या होता है, इन केस ऑफ द सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH, इरेस्पेक्टिव ऑफ द दिस प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी क्या होता है, ADH निकलता है, और वी कैन से सिंपली कि इसमें कंटिन्यूअसली ADH निकलता है। अब जब कंटिन्यूअसली ADH निकलेगा तो वाटर की रीअब्सॉर्प्शन जो है वो बढ़ जाएगी, अगर वाटर की रीअब्सॉर्प्शन ज्यादा ज्यादा होगी तो फ्लूड वॉल्यूम ज्यादा होगा ब्लड वेसल। सो वी कैन से कि इन केस ऑफ SIADH वाटर की रीअब्सॉर्प्शन ज्यादा होती है। अब अगर ये ब्लड वेसल है, ठीक है, इसमें सोडियम भी था वाटर भी था, राइट, सोडियम भी था वाटर भी था। अब अगर वाटर की रीअब्सॉर्प्शन ज्यादा 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 हो रही है तो यहाँ पे क्या होगा ब्लड स्ट्रीम में, अब एज अ फिनस्टेंस पहले 5 सोडियम के मॉलिक्यूल्स थे एंड 500 ml ऑफ वाटर। अब वाटर जब ज्यादा ज्यादा रीअब्सॉर्ब हो रहा है, सोडियम तो वही का वही है, सोडियम ऑफ 5 मॉलिक्यूल्स है बट इन 1 लीटर ऑफ द वाटर, सो वी कैन से कि इन केस ऑफ द SIADH देयर अकर्स द हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया भी कौन सा वाला, दैट इज डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया। सो ये पूछा जा सकता है कि इन केस ऑफ द डायबिटीज इंसिपाइडस क्या होता है सोडियम के साथ, इन केस ऑफ SIADH क्या होता है सोडियम के साथ। नाउ या एक और चीज पूछी जा सकती है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या सीन रहेगा। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे वाटर जो है और यूरिन जो है वो क्या होता है, वो ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है क्योंकि ब्लड जो है वो डाइल्यूट हो गया, तो अगर कंसंट्रेटेड है यूरिन, ठीक है, कंसंट्रेटेड मतलब वो गाढ़ा बन जाता है, सो अगर कंसंट्रेटेड है यूरिन इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है बढ़ जाएगी, बट इन केस ऑफ द डायबिटीज इंसिपाइडस वहां पे क्या होता है डेफिशिएंसी हो जाती है ऑफ दिस ADH, तो वहां पे वाटर जो है वो रेअब्सॉर्ब नहीं होगा, तो जो यूरिन होगा वहां पे वो डाइल्यूटेड होगा और वी कैन से कम कंसंट्रेटेड होगा, कम कंसंट्रेटेड मीन्स कम गाढ़ा होगा, जब कम गाढ़ा होगा तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है दैट विल बी लेस। सो इन केस ऑफ द डायबिटीज इंसिपाइडस स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द यूरिन इज लेस, बस इन केस ऑफ द SIADH स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द यूरिन इज मोर। तो अगर हमें इमरजेंसी मैनेजमेंट करना होगा ऑफ दिस SIADH देन वी मेक यूज ऑफ कॉनिवेप्टॉन, कॉनिवेप्टॉन जो है वो हम थ्रू IV रूट देते हैं।
ठीक, तो ये तो हुआ इमरजेंसी मैनेजमेंट। अब अगर हमें क्या करना है, लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट करना है, लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ दिस एस आई ए डी एच। तो लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के लिए हम ड्रग रखते हैं कौन सा, दैट इज टोलवेप्टॉन, जो वेप्टॉन होते हैं वही यूज करते हैं, एंड मोजावेप्टॉन, टोलवेप्टॉन एंड मोजावेप्टॉन, ये दोनों ड्रग जो है ये हम ऑरली देते हैं। सो अगर मेंटेनेंस पे रखना हो ऐसे इंडिविजुअल को, घर जाके इसको दवाई लेनी है इन दो में से, वन इज द टोलवेप्टॉन एंड अदर इज मोजावेप्टॉन। सो दिस वॉज ऑल रिगार्डिंग द किड ड्रग्स दैट एक्ट ऑन द रेनल सिस्टम। होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर।